नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है। राज ठाकरे ने खुद इस बात की औपचारिक घोषणा ट्विटर पर की। तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में आगामी 15 जून को अयोध्या का दौरा किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे और वर्षा गायकवाड़ ने गाजियाबाद में डॉक्टर बीआर अंबेडकर के स्मारक पर लगाई जाने वाली उनकी 350 फीट ऊंची प्रतिमा की 25 फीट ऊंची प्रतिकृति का निरीक्षण किया। इस बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने औरंगाबाद स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे को 5 दिन के लिए बंद कर दिया है। तो उधर अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन और रणवीर सिंह के खिलाफ पान मसाला और गुटखा को प्रमोट करने के सिलसिले में बिहार के एक कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है। राज ठाकरे ने खुद इस बात की औपचारिक घोषणा ट्विटर पर की। उनके अयोध्या दौरे को लेकर बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे को उत्तर भारतीय जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज ठाकरे ने अपने भाषणों में पहले भी उत्तर भारतीय जनता का अपमान किया है। इस कारण मन से प्रमुख के अयोध्या दौरे को लेकर काफी विवाद हुआ। अब ये दौरा कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले थे। राज ठाकरे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दौरा स्थगित होने की वजह के बारे में आगामी 22 मई की सभा में विस्तार से चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो उनके अयोध्या दौरे की तैयारियां पूरी नहीं हो पाई थी। इसके अलावा रेलवे का रिजर्वेशन भी नहीं हुआ था। उनके 22 मई को पुणे में सभा होने वाली है। ये भी कहा जा रहा है कि राज उस सभा में अयोध्या दौरे को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। गौरतलब है कि उनका अयोध्या दौरा घोषणा के बाद से ही विवादों में रहा। बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह लगातार उनके इस दौरे का विरोध करते रहे। उन्होंने कहा कि पहले राज माफी मांगे, फिर अयोध्या में प्रवेश करने देंगे। वहीं दूसरी तरफ कंचनगिरी महाजन ने राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा था कि अगर बृजभूषण सिंह में हिम्मत है तो राज ठाकरे को रोक कर दिखाए। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है, लेकिन अब इस बार सियासत शुरू हो चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में आगामी 15 जून को अयोध्या का दौरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या के अलावा वो इस्कॉन मंदिर में भी जाएंगे। उन्होंने मनसे का नाम न लेते हुए कहा कि एक अन्य पार्टी का भी अयोध्या का कार्यक्रम था, लेकिन अब वो रद्द कर दिया गया है। ये बात मुझे मीडिया के जरिए पता चली है। उन्होंने कहा कि अगर बताते तो हम उनका वहाँ सहयोग करते। अयोध्या में शिवसेना को मानने वाला एक बड़ा वर्ग है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने राज ठाकरे के साथ ऐसा क्यों किया, इस बात पर उन्हें विचार जरूर करना चाहिए। बीजेपी द्वारा उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात कुछ लोगों को देर से समझ में आती है। संजय राउत ने कहा कि प्रभु राम के दर्शन के लिए कोई भी अयोध्या जा सकता है, बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। बता दें कि राज ठाकरे ने अपना दौरा स्थगित किया है क्योंकि वहां के सांसद बृजमोहन सिंह ने कुछ सवाल खड़े किए थे, शायद उसका जवाब उन्हें नहीं मिल पाया है। लेकिन आदित्य ठाकरे 15 जून को कई शिव सैनिकों के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। दर्शन हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। इसके पहले भी उद्धव ठाकरे ने वहां जाकर दर्शन किया था और आगे भी करेंगे। जब से मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था तब से ही शिवसेना का अयोध्या से विशेष लगाव रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे और वर्षा गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का दौरा किया और यहां डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मारक पर लगाई जाने वाली उनकी 350 फीट ऊंची प्रतिमा की 25 फुट ऊंची प्रतिकृति का निरीक्षण किया। बता दें कि मुंडे, गायकवाड़ और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे प्रतिकृति में बदलावों का सुझाव देने के लिए बनाई गई राज्य मंत्रिमंडल की उप समिति का हिस्सा है। निरीक्षण के बाद सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे ने एक वीडियो बयान में कहा कि हमने प्राकृतिक में कुछ सुझाव दिए हैं। दलित नेता की 350 फीट ऊंची प्रतिमा पर काम तब शुरू होगा जब 25 फीट की प्रतिकृति को मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मारक पर काम पूरा करने का प्रयास कर रही है, जिन्होंने सभी जातियों और धर्मों के लोगों को सम्मान के साथ जीने का मौका दिया। सरकार इस स्मारक को 2024 में जनता को समर्पित करना चाहती है। मंत्री ने कहा कि 350 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए चौकी 100 फीट ऊंची होगी। अभी तक 75 फीट ऊंची चौकी का काम पूरा हो गया है। सरकार इस परियोजना पर 1,100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दोनों मंत्रियों ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि स्मारक के काम के लिए निधि की कोई कमी न हो। महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रस्तावित प्रतिमा की ऊंचाई जनवरी 2020 में 250 फीट से बढ़कर 350 फीट करने का निर्णय किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2015 में स्मारक के लिए नींव रखी थी।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने औरंगाबाद में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे को 5 दिन के लिए बंद कर दिया है। मनसे नेता की धमकी के बाद एक स्थानीय मस्जिद समिति द्वारा ताला लगाने की कोशिश करने के बाद ASI ने ये कदम उठाया है। ASI के औरंगाबाद क्षेत्र के अधीक्षक मिलन कुमार चौले ने कहा, पहले एक मस्जिद समिति ने मकबरे में ताला लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उसे खोल दिया था। फिर बुधवार को हमने उसे 5 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया है। चौले ने कहा कि हम स्थिति का आकलन करेंगे, फिर फैसला करेंगे कि उसे खोलना है या अगले और 5 दिन के लिए बंद रखना है। मालूम हो कि AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी इस महीने की शुरुआत में औरंगजेब के मकबरे पर गए थे। उनके इस कदम की महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना के साथ साथ राज ठाकरे की मनसे ने भी आलोचना की थी। ओवैसी के मकबरे पर जाने के बाद NCP प्रमुख शरद पवार ने संदेह व्यक्त किया था कि क्या वो ऐसा करके महाराष्ट्र के शांतिपूर्ण प्रशासन में खलल उत्पन्न करना चाहते हैं। मनसे के प्रवक्ता गजानन काले ने हाल ही में कहा कि औरंगजेब के मकबरे की जरूरत नहीं है, उसे जमींदोज कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद औरंगाबाद में खुल्दाबाद इलाके के एक मस्जिद समिति ने मकबरे में ताला लगाने की कोशिश की थी। मकबरा खुल्दाबाद इलाके में ही है। इस पूरे प्रकरण के बाद ASI ने मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी। गुटखा और पान मसाला जैसी चीजों को प्रमोट करने के कारण सोशल मीडिया पर खूब आलोचना झेल चुके 4 बॉलीवुड स्टार्स अब बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन और रणवीर सिंह के खिलाफ पान मसाला और गुटखा को प्रमोट करने के सिलसिले में बिहार के कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। ये केस मुजफ्फरपुर बेस्ड सोशल एक्टिविस्ट तमन्ना हाशमी ने दर्ज करवाया है। दरअसल हाल ही में अक्षय कुमार को एक पान मसाला ब्रांड का विज्ञापन करते हुए देखा गया था। अक्षय को पान मसाला प्रमोट करते देख लोग भड़क गए थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्टर को खूब खरी खोटी सुनाई। विवाद बढ़ता देख अक्षय ने सोशल मीडिया पर सभी से माफी मांग ली थी और उस ब्रांड से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि ब्रांड के प्रमोशन से जो भी फीस उन्हें मिली है वो उसे डोनेट कर देंगे। वही अजय देवगन और शाहरुख खान भी पान मसालों को प्रमोट करते हैं, जिनका विज्ञापन खूब चर्चा में रहा है। अमिताभ बच्चन भी एक तंबाकू ब्रांड को एंडोर्स करते थे, हालांकि उन्होंने पिछले साल उस ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट रिलीज भी किया था जिसमें इसकी जानकारी दी गई थी, पर उनकी मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही है। चार्जशीट में चारों स्टार्स पर पैसों की लालच में अपनी पॉपुलैरिटी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस की सुनवाई 27 मई को होगी। तमन्ना के मुताबिक इन स्टार्स द्वारा ऐसे ब्रांड्स को प्रमोट किए जाने से बच्चों पर गलत असर पड़ेगा और वो भी ऐसा ही करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर CBI छापेमारी कर रही है। वही सपा नेता आजम खान आखिरकार जेल से बाहर आ गए। इसी बीच जुम्मे के दिन आज ज्ञानवापी में होने वाली नमाज से पहले वजू करने के लिए मस्जिद में 50 लोटे और 2 ड्रम पानी का इंतजाम कराया गया। तो उधर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी लोगों को विकास के मुद्दे पर डटे रहना है और कोई कितना भी भटकाने की कोशिश कर ले, हमें उनके जाल में नहीं फंसना है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वास्थ्य के कारणों की वजह से सरेंडर करने के लिए कोर्ट से कुछ सप्ताह का समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। ऐसे में अब उन्हें सरेंडर करना ही होगा। रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल जेल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के बाद गुरुवार देर रात नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू अमृतसर से पटियाला पहुंची। 1998 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले खुला था। पीड़ितों ने मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पुनर्विचार करने की अपील की थी, जिसे अदालत ने मान लिया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल सिद्धू और उनके सहयोगी रुपिंदर सिंह सिद्धू 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में शेरावाला गेट क्रॉसिंग के पास एक सड़क के बीच में खड़ी एक जिप्सी में थे। उस समय गुरमान सिंह और 2 अन्य लोग पैसे निकालने के लिए बैंक जा रहे थे। जब वे चौराहे पर पहुंचे तो मारुति कार चला रहे गुरमान सिंह ने जिप्सी को सड़क के बीच में पाया और सिद्धू और संधू को इसे हटाने के लिए कहा। इससे दोनों पक्षों में बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। मारपीट में गुरमान सिंह घायल हो गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में सितंबर 1999 में निचली अदालत ने सिद्धू को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने फैसले को उलट दिया और दिसंबर 2006 में सिद्धू और संधू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। उन्हें 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी और उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष
लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई शुक्रवार सुबह छापेमारी करने पहुंची। सीबीआई की टीम ने एक साथ पटना, गोपालगंज और नई दिल्ली के ठिकानों पर छापेमारी की। टीम सबसे पहले 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर छापेमारी करने पहुंची। इसके चंद मिनटों बाद सीबीआई की टीम लालू यादव के पटना स्थित अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करने लगी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम ने लालू यादव के पटना स्थित 4 ठिकानों पर छापेमारी की, पटना के रंजन पथ स्थित राबड़ी देवी के फ्लैट में छापेमारी की। इसके अलावा पटना के गोला रोड स्थित लालू यादव के गौशाला पर भी छापेमारी की। सीबीआई की टीम फुलवारी शरीफ स्थित लालू यादव के ठिकाने पर भी तलाशी में लगी है। इसके अलावा लालू यादव के गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर भी तलाशी अभियान जारी है। सीबीआई की टीम सामान्य रूप से लालू यादव के ठिकानों पर पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी। इसके अलावा सीबीआई की टीम दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर भी पहुंची। वहां टीम लालू यादव से पूछताछ करने पहुंची है। आरोप है कि साल 2004-2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए लोगों को गलत तरीके से नौकरी दिलाई थी। ये भी आरोप है कि नौकरी देने के एवज में लालू यादव ने गरीब लोगों से जमीन लिखवा लिए थे। दायर शिकायत पत्र में कहा गया है कि लालू यादव ने नौकरी के बदले प्राइम लोकेशन पर जमीन ली थी। इस मामले में जेडीयू नेता ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और रामपुर से 10वीं बार विधायक बने आजम खान आखिरकार जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी तो उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया। गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश सीतापुर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद कागजी प्रक्रिया को पूरी कराने के बाद शुक्रवार की सुबह उनकी रिहाई होगी। इस दौरान सपा के नाराज विधायक शिवपाल यादव और आजम खान के दोनों बेटे सीतापुर जेल के बाहर मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेताओं की गैर मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए। बहरहाल आजम खान को रिसीव करने समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे विधायक शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे। उन्होंने रामपुर विधायक को रिसीव किया। पिछले दिनों शिवपाल यादव और आजम खान की जेल में भी मुलाकात हुई थी। इसके साथ ही राजनीतिक कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया था। आजम खान की रिहाई और इस मौके पर शिवपाल यादव की उपस्थिति ने एक बार फिर लखनऊ तक के सियासी माहौल को गर्मा दिया है। आजम खान के वकील जुबैर अहमद खान ने बताया था कि एमपी एमएलए कोर्ट ने 1,00,000 रुपए के 2 मुचलके जमा करने को कहा था, जिन्हें गुरुवार को दाखिल कर दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने आजम खान की रिहाई का परवाना जारी किया। सीतापुर जेल में परवाना पहुंचने के साथ ही आजम खान की रिहाई की तैयारी शुरू कर दी गई। दावा किया गया था कि आजम शुक्रवार की सुबह 8 बजे तक जेल से बाहर आ सकते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के बाद सिविल जज के आदेश पर वजूखाने को सील कर दिया गया है। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती थी कि वो शुक्रवार को ज्ञानवापी में होने वाली नमाज के लिए क्या इंतजाम करेगा। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार यानी जुमे के दिन ज्ञानवापी में होने वाली नमाज से पहले वजू करने के लिए मस्जिद में 50 लोटे और 2 ड्रम पानी का इंतजाम करा दिया, जिससे कि नमाज में कोई असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने जुमे की नमाज से पहले गुरुवार को वाराणसी के मुस्लिम प्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। इस बैठक में मस्जिद परिसर में हुए बंदोबस्त की जानकारी दी गई और अपील की गई कि शांति व्यवस्था को बरकरार रखा जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ज्ञानवापी में नमाजियों को वजू करने में कोई समस्या न आए, इसके लिए मस्जिद परिसर में 2 ड्रम पानी और 50 लोटे का बंदोबस्त किया गया है। जिलाधिकारी ने इस बात की अपील की है कि जानकी परिसर में नमाज के दौरान कोई भी भड़काऊ बयान न दिया जाए। इसके अलावा मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी ये कहा गया है कि वजूखाना सील होने के बावजूद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी ही है। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी परिस्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे में नमाज के दौरान भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान जब शिवलिंग मिला, उसके बाद वजूखाने को सील कर दिया गया था। फिलहाल न्यायालय के आदेश पर वजूखाने में कुल 9 ताले लगाकर इसे सील कर दिया गया है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को विकास के मुद्दे पर डटे रहना है और कोई कितना भी भटकाने की कोशिश कर ले, हमें उनके जाल में नहीं फंसना है। इसके साथ ही उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को वाणी पर भी नियंत्रण रखने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है, कोर मुद्दों पर काम करना है, हमें कभी भी भटकना नहीं है। मैं आपको सतर्क करूंगा कि आपको विकास से जुड़े मुद्दों से भटकाने की लाख कोशिशें होगी, लेकिन आपको देश के विकास के विषयों पर ही टिके रहना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इकोसिस्टम की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप अपने संबोधन में कहते हैं कि हमारी सरकार ने 2014 के बाद ये काम किए हैं, तो वो बात अखबार में पहले पेज पर नहीं छपेगी। आप जब आयुष्मान कार्ड और जन औषधि केंद्रों की बात करें तो शायद मीडिया में ना आए। आप जब हर जल नल डिजिटल क्रांति की बात करेंगे तो शायद मीडिया में जगह ना मिले। आप प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाएंगे तो शायद आंखें ही मूंद ली जाएगी। फिर भी आपको विकास के मुद्दों पर डटे रहना है।
आप कोई अच्छा काम करेंगे तो हेडलाइन नहीं बनेगी, लेकिन इसके बाद भी हमें अपने मुद्दों पर टिके रहना है। इस तरह हम काम करेंगे तो कभी न कभी उन्हें भी हमारे मुद्दों को स्वीकृति देनी ही होगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक टास्क भी दिया। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के करोड़ों सदस्य हैं, लेकिन हमें ठहरना नहीं है, सदस्यता के अभियान को गति देनी है और आकांक्षी युवाओं को पार्टी में जोड़ना है। पाकिस्तान में घमासान जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार धरना आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं और वह है चुनाव। हमें आयातित सरकार नहीं चाहिए। तो अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत ने कहा है कि महिला न्यूज एंकर शो करते समय चेहरा ढक कर रखेगी। वही वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण कोरोना के अन्य वेरिएंट के खिलाफ बहुत कम दीर्घकालिक इम्यूनिटी प्रदान करता है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अजीब संयोग जुटा है। इस समय उनके सबसे बड़े दुश्मन का नाम जेलेंस्की है और उनकी बेटी कैटरीना तिखोनोवा के प्रेमी का नाम भी जेलेंस्की है। तो उधर माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया गया है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर यह केंद्र स्थापित किया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पिछले महीने एक लंबे सियासी घमासान के बाद पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव की मदद से इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन पाकिस्तान में सियासी तूफान अभी थमा नहीं है। विपक्ष में बैठे इमरान खान लगातार अलग अलग शहरों में जलसा आयोजित कर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और चुनाव की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खबर के अनुसार इमरान खान ने इस्लामाबाद के लिए अपने मार्च में एक लंबे धरने का भी संकेत दिया है। खान ने कल इस्लामाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं का संबोधित करते हुए कहा था कि लोगों की भीड़ तब तक इस्लामाबाद से नहीं जाएगी जब तक उन्हें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की तारीख नहीं मिल जाती। खान ने कहा कि हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं और वो है चुनाव। हमें आयतित सरकार नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मदद से आजादी चाहिए। लोगों का महासागर तब तक इस्लामाबाद नहीं छोड़ेगा जब तक हमें चुनाव की तारीख नहीं मिल जाती। इमरान खान ने कहा कि मार्च से पहले आखिरी जनसभा शुक्रवार को मुल्तान में आयोजित की जाएगी, जिसमें वो सरकार विरोधी मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। इसी बीच PMLN की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने भी चुनाव के संकेत दे दिए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि गरीबों पर और बोझ बढ़ाने से बेहतर है सरकार से इस्तीफा दे देना। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत ने महिला न्यूज एंकर के लिए नया फरमान जारी किया है। फरमान में कहा गया है कि महिला न्यूज एंकर शो करते समय चेहरा ढक कर रखेगी। तालिबान सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसे अंतिम फैसला बताया है। तालिबान ने सभी महिला न्यूज एंकर को इस आदेश का पालन करने की बात कही है। इस फरमान को लेकर एक बार फिर से महिलाओं में तालिबानी शासन के खिलाफ बगावती सुर सामने आ रहे हैं। हालांकि कोई खुलकर विरोध नहीं दर्ज करा पा रहा है। इससे पहले तालिबान ने महिलाओं की आजादी छीनने वाले कई तुगलकी फरमान जारी किए हैं, जिनमें महिलाओं को अकेले घर से बाहर ना निकलने, आंखों को छोड़कर पूरे शरीर को ढकने और लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी लगाने जैसे फरमान शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने सभी मीडिया संस्थानों को यह आदेश भेज दिया है। अगर कोई महिला मीडिया कर्मी इसका विरोध करती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले तालिबान प्रमुख हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने अफगानिस्तान में सार्वजनिक रूप से महिलाओं को बुर्का पहनने का फरमान सुनाया था। कबुल में कार्यक्रम के दौरान तालिबानी अधिकारियों ने इसे जारी किया। अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं को चादोरी यानी सिर से पैर तक बुर्का पहनना चाहिए, यह परंपरागत और सम्मानजनक है। अफगानिस्तान में तालिबान पोस्टर चिपकाकर महिलाओं को घरों में रहने का आदेश भी दे चुका है। सत्ता में आते ही तालिबान ने लड़कियों की पढ़ाई बंद करा दी थी। इसके खिलाफ जब महिलाएं मैदान में उतरी तो 6ठी कक्षा तक छात्राओं को स्कूल जाने की इजाजत दी थी। ग्लैडस्टोन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के वैज्ञानिकों ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक खुलासा किया है। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण कोरोना के अन्य वेरिएंट के खिलाफ बहुत कम दीर्घकालिक इम्यूनिटी प्रदान करता है। ग्लैडस्टोन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के शोधकर्ताओं ने इसको लेकर चूहों और संक्रमितों के खून के नमूनों का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने पाया कि ओमिक्रॉन केवल एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है।
इस अध्ययन में शामिल इरेन चेन ने बताया कि जब ओमिक्रॉन वेरिएंट पहली बार सामने आया तो ये बातें भी सामने आई कि क्या ओमिक्रॉन का संक्रमण टीका नहीं लगवाने वाले लोगों के लिए एक वैक्सीन के रूप में काम कर सकता है। इसलिए शोधकर्ताओं की टीम ने सबसे पहले चूहों पर ओमिक्रॉन के प्रभाव की जाँच की। शोध में कोरोना और उसके डेल्टा वेरियंट की तुलना में ओमिक्रॉन ने चूहों में बहुत कम लक्षण पैदा किए। अध्ययन में सामने आया कि कोरोना टीका लगवा चुके लोगों में ओमिक्रॉन का संक्रमण कमजोर पड़ चुकी प्रतिक्रिया को वायरस के अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ मजबूत बनाता है। हालांकि बिना टीका लगवाने वाले लोगों में ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया अन्य वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही। ग्लैडस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के निदेशक मेलानी ओट ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन का संक्रमण कोविड 19 के अन्य वेरिएंट के खिलाफ हल्की सुरक्षा प्रदान करता है। रूसी राष्ट्रपति के साथ अजीब संयोग जुटा है। इस समय उनके सबसे बड़े दुश्मन का नाम जेलेंस्की है और उनकी बेटी कैटरीना तीखोनोवा के प्रेमी का नाम भी जेलेंस्की है। ये जेलेंस्की एक प्रोफेशनल बैले डांसर और डायरेक्टर है जिन्होंने हाल ही में बवेरियन स्टेट बैले का नेतृत्व किया था। कैटरीना पुतिन की छोटी बेटी है जिनकी माँ क्रेमलिन की पूर्व प्रथम महिला ल्यूडमिला अलेक्जेंड्रोवना औचरेतनाया है। पहले कैटरीना की शादी रूस के सबसे युवा अरबपति किरिल शामलोव के साथ हुई थी। 2017 में वे अलग हो गए और फिर उसने बेले स्टार के साथ रिश्ता शुरू किया जो पहले भी शादीशुदा था और उसकी पति कोरियोग्राफर याना सेरोब्रिकोवा थी जिससे उसे दो बेटियां और एक बेटा है। वो रूस में रहती है और जेलेंस्की जर्मनी में रहते हैं। वहाँ वो बवेरियन स्टेट बैले को डायरेक्ट करते हैं। उनका असली नाम इगोर जेलेंस्की है। 2 साल में कैटरीना जेलेंस्की से मिलने के लिए 50 से अधिक बार म्यूनिख जा चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन पर हमले के पुतिन के फैसले ने उनके आसपास के लोगों को भी प्रभावित किया है। इसका असर पुतिन की बेटी पर भी पड़ा है जिसकी वजह से कैटरीना मॉस्को से म्यूनिख अपने बॉयफ्रेंड से मिलने फिलहाल नहीं जा पा रही है क्योंकि उनके साथ हमेशा रूसी खुफिया सुरक्षा गार्ड होते हैं। बताया जा रहा है कि कैटरीना जेलेंस्की और 2017 में पैदा हुई एक लड़की के पासपोर्ट मिले हैं। इस लड़की के बारे में कैटरीना के हवाले से कहा गया है कि हम नैतिक कारणों से बच्चे के नाम का खुलासा नहीं कर सकते। बस ये कहना काफी है कि उनका संरक्षक इगोर एवना है जो जेलेंस्की के नाम से मेल खाता है। माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया गया है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर यह केंद्र स्थापित किया है। नेपाल की जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि स्वचालित मौसम स्टेशन पिछले सप्ताह शिखर बिंदु 8,848.86 मीटर से कुछ मीटर नीचे स्थापित किया गया। इस अवसर पर अमेरिका के एप्लाचियन स्टेट यूनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक बेकर पेरी के नेतृत्व में इस टीम में पर्वतारोही और वैज्ञानिक शामिल थे। टीम ने नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में एक महीना बिताया और साउथ कर्नल के एक स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों का रुख रखाव भी किया। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित मौसम निगरानी प्रणाली केंद्र तापमान, हवा की गति और दिशा, वायुदाब, बर्फ की सतह की ऊंचाई में परिवर्तन जैसी विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं की जानकारी देगा। MOU के तहत 2026 में नेपाल सरकार को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने से पहले नेशनल ज्योग्राफिक टीम 2025 तक स्टेशनों का पूरी तरह से संचालन करेगी। DHM अधिकारियों के अनुसार टीम मिशन पूरा करके काठमांडू लौट आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने भी एवरेस्ट के उत्तरी हिस्से में 8,800 मीटर की ऊंचाई पर एक स्वचालित मौसम निगरानी प्रणाली स्थापित की। चीन मीडिया के अनुसार बीजिंग में माउंट एवरेस्ट पर 5,200 मीटर से 8,800 मीटर तक 8 स्टेशन है जिसमें 7,000 मीटर से अधिक 7,028 मीटर, 7,790 मीटर, 8,300 मीटर और 8,800 मीटर पर 4 स्टेशन है। तो VKB न्यूज की खास पेशकश में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।